पांच एक गड्ढा थोड़ा है ना, हाइट ज्यादा होता, कुछ ज्यादा होता, लांगे पांच एक आ जाती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तौहीद डिक्सपल्ली का आज बेहतरीन तरीके से काम चल रहा। कुछ शरपसंदों की तरफ से काम को रुकाने की बड़ी कोशिश की गई। आज यहाँ पर हमारे पर हमला किया गया है, हमारे एक भाई को बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया गया है, जख्मी करे उनको तकरीबन 17 टाके लगे हैं। अभी दवाखाने में वो एडमिट है और उसके बावजूद केसेस बुक करते रहे, हमको उसकी कोई फिक्र नहीं है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप तक इस बात की इत्तला पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह से पूरा काम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और आपसे सिर्फ इस बात की अपील की जाती है कि आप इस अल्लाह के घर को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और ये बिलखसूस डिचवेली की मस्जिद के लिए ज़्यादा ताउन करें, क्योंकि दूसरी जगह मस्जिद बनाना एक अलग है और डिचवेली में मस्जिद बनाना एक अलग मुकाम रखता है। क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ जिस परेशानियों के साथ हम मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं काम पे, उसका अजर भी इंशाल्लाह दुगना देगा। और जो लोग इसमें किसी किस्म का भी ताउन करते हैं, किसी किस्म का ताउन, कोई ईंट देता है, सीमेंट देता है, लोहा देता है और कोई भी चीज़ इसके अंदर ताउन करता है, तो अल्लाह उसका अजर उसको दुगना देगा। और ये सुने मौके से आप फ़ायदा उठाइए। अगर आप यहाँ पर आकर काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप माली ताउन करके इन लोगों की मदद कर सकते हैं जो लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग रात दिन यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर हमारी तादाद कम रहने की वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। वो लोग बार बार हमारे ऊपर अटैक करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस नौजवानों को सलाम करता हूँ। वो बड़ी हिम्मत से यहाँ पर मजबूती के साथ ठहरे हुए हैं और मैं उन तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि सब्र और तहम्मुल से काम ले। अगर वो हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हम बदले में उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो तमाम मुशरिकीन ने मक्का को माफ़ किया, हम भी उनको माफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। हम ये पैगाम आज यहाँ से देते हैं कि जो लोग हमारे ऊपर हमला किए हैं